ठीक है, आज से हम अपना नया कोर्स शुरू करते हैं जिसका नाम है आरबीटी। आरबीटी तीन एरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से बना हुआ है। सबसे फर्स्ट है रेलवेज, ब्रिजेस और टनल्स। तो हालांकि ये रेलवे इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग और टनल इंजीनियरिंग एक ब्रॉड पोर्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कवर करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही इंक्लूड किया गया है। तो सबसे मेजर पोर्शन जो आपके सिलेबस का होगा वो होगा रेलवे। अबाउट 60% सिलेबस आपका रेलवे से होगा, 20% ब्रिजेस होगा और 20% टनल होगा। अब क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रेलवे इंजीनियरिंग ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि SSC JEE, RRB JEE, IRCON, DFCCIL, ये सारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज, ये सारे रेलवे इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। तो अपने एग्ज़ाम्स में ये रेलवेज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए सिलेबस में भी रेलवेज़ को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और 60% सिलेबस आपका सिर्फ रेलवे ही पोर्शन कवर करता है। तो खैर, रेलवे के बारे में आपको जानते तो होंगे ही, जनरली आप हमेशा बचपन से देखते आए हैं कि रेलवेज़ में क्या क्या होता है, क्या ट्रैक होते हैं, क्या ट्रेन्स होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जैसे ये सबसे ऊपर, इसको हम कहते हैं ट्रेन, जिसके सबसे आगे का पोर्शन होता है या इंजन होते हैं, जिसे हम कहते हैं लोकोमोटिव। ठीक है, तो लोकोमोटिव क्या होता है? लोकोमोटिव एक आपका एक ऐसा कोच होता है, या कहेंगे कि ऐसा डिब्बा होता है जिसमें इंजन लगा होता है, या तो इलेक्ट्रिकल या तो डीजल। पहले कोल इंजन चलते थे, लेकिन अब वो बंद हो गए हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिकल और डीजल इंजन के ही लोकोमोटिव इस समय रन करते हैं इंडिया में। उसमें भी सरकार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी डीजल इंजन हैं उन सबको रिमूव किया जाए और पूरा का पूरा लाइन हम इलेक्ट्रीफाई कर सकें, और जितनी भी ट्रेन हैं सब इलेक्ट्रिक लाइन के थ्रू ही चलें। ठीक है, तो ये जो आप ऊपर लाइन देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक लाइन है, और इस कोच के ऊपर एक एक तरह से हैंगर जैसा या स्टाफ जैसा निकला होता है जो उन इलेक्ट्रिक लाइन्स को छू रहा होता है। तो इसे हम कहते हैं लोकोमोटिव, और जो इसको ड्राइव करता है उसे हम कहते हैं लोको पायलट। और इसके पीछे के जितने भी डिब्बे लगे होते हैं, जिनको हम आमतौर पर कोचेस कहते हैं या कार बॉडीज़ कहते हैं, ठीक, तो ये सारे कोचेस में क्या होंगे, या तो पैसेंजर होंगे या तो रॉ मटेरियल होगा। तो ये है आपका कुछ ट्रेन का, एक तरह से ट्रेन का नॉमेनक्लेचर। अब जैसे कि मैंने पीछे बताया कि जो पीछे डिब्बे के इंजन के लगे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कार बॉडी। तो कार बॉडी स्टेबल होती है बोगीज के थ्रू। तो जब हम कहते हैं कि कौन से बोगी नंबर में है, तो एक्चुअली बोगी क्या है, सिर्फ ये व्हील पैटर्न, ठीक है, और ये जो पूरी कार बॉडी एक तरह से आपका होता है कोच। तो बोगी क्या है, बोगी में आपके व्हील्स रहते हैं और सस्पेंशन सिस्टम रहता है, और ये पूरा डिब्बा जहाँ पर पैसेंजर्स बैठते हैं या हम कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोच। जैसे ये बोगी का आप इमेज देख लीजिए, यहाँ पर ये चार है व्हील्स और ये हमारा लगा है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या है, ये जो जितना भी वाइब्रेशन है उसको डैम्प करना, ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट हो जाता है आपकी कार बॉडी। तो ये आपकी रेलवे बोगी होती है। तो कोई भी कार बॉडी दो या तीन या चार बोगी में सपोर्टेड रहती है। रेलवे ट्रैक क्या होता है, वो ट्रैक जिस पे आपकी ट्रेन्स रन करती हैं। जैसे ये हमारा एक रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले जो स्टील मेंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं रेल्स। तो रेल क्या है, रेल ये स्टील के मेंबर हैं जो काफ़ी लंबे यहाँ पर लाई करते हैं ट्रैक पे। तो इनकी लेंथ कुछ 13 मीटर होती है, तो 13 मीटर की एक रेल होती है, ठीक है, फिर इन सारे रेल्स को हम कनेक्ट करते हैं। खैर, फिलहाल आप ये जानिए कि एक जो रेलवे ट्रैक है उसमें कंपोनेंट्स में सबसे ऊपर होता है हमारी रेल, उन रेल्स के नीचे होते हैं स्लीपर्स, ठीक है। ये स्लीपर्स क्या होते हैं, लकड़ी के आपने ट्रांसवर्स मेंबर देखे होंगे, या तो लकड़ी के होंगे या कंक्रीट के होंगे या स्टील के होते हैं, इनको हम कहते हैं स्लीपर्स, ठीक है। ये स्लीपर्स के ऊपर रहती हैं हमारी रेल्स, और ये जो स्लीपर्स होते हैं वो इम्बेड होते हैं, ये जो आप रॉक के एक तरह से स्टोन देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं बैलास्ट, ठीक है। तो ये बैलास्ट में इम्बेडेड रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो बैलास्ट है सबसे पहले हम इसको ले करेंगे, इसके ऊपर हम ये जितने भी स्लीपर्स हैं इन सबको इम्बेड करेंगे, ताकि ये जितने भी रॉक्स हैं इसको अच्छे से कवर करके रखें, ताकि ये जो
ट्रांसवर्स मेंबर या स्लीपर्स हैं वो मूव ना करें। इन स्लीपर्स के ऊपर हम रखते हैं रेल्स, ठीक है। रेल्स के हमारे स्टील मेंबर जिन पर हमारी ट्रेन्स रन करेंगी। इन रेल्स और स्लीपर्स को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्लिप, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं पेंडोरल क्लिप। ये एक तरह के फास्टनर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? फास्टनर्स। फास्टनर्स का काम क्या होता है? रेल्स को स्लीपर के साथ जोड़ना। तो आपके जो रेलवे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उसमें ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताए ये सब अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में होंगे। जैसे आप पढ़ेंगे रेल्स के बारे में, आप पढ़ेंगे स्लीपर्स के बारे में, आप पढ़ेंगे बैलास्ट के बारे में और फास्टनर्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो सब मिल करके एक रेलवे ट्रैक बनाते हैं। ये रेलवे ट्रैक काम कैसे करता है ये सब आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम ट्रैक बोलते हैं या परमानेंट वे, जैसे कि यहाँ पर इसको परमानेंट वे बोल दिया गया, यही आपका रेलवे ट्रैक है। तो परमानेंट वे का मतलब क्या है कि वो वे जिस पर हमारी ट्रेन रन करें। जैसे ये ट्रेन का एक्सल है और ये ट्रेन के व्हील्स हैं, ये दोनों, ठीक है। तो ट्रेन के व्हील्स के ऊपर रखे हुए हैं इन रेल्स के ऊपर। ये रेल्स किसके ऊपर रखे हुए हैं? इन चेयर्स या फास्टनर्स के ऊपर। ये चेयर भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हैं चेयर्स या फास्टनर्स। इनके नीचे देखो ये येलो कलर में जो शेडेड है ये है हमारे स्लीपर्स। हम इनको ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्लीपर्स हैं और स्लीपर्स के नीचे बैठे हैं ये बैलास्ट। ये है ग्रे शेड में, ये है बैलास्ट। तो देखो हमने यहाँ पर एक बैलास्ट कुशन लिख रखा है। तो बैलास्ट कुशन का काम क्या है कि जितना भी वाइब्रेशन होगा उसको ये कुशन कर सके। कुशन कर सके मतलब कैसे? डैम कर सके। क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो इतने फास्ट ट्रेन चलती है कि इन सारे जितने मटेरियल है इन सब पर लगेगा इम्पैक्ट लोडिंग। तो अगर ये बैलास्ट कुशन सफिशियंट थिकनेस का नहीं होगा तो स्लीपर फॉर्मेशन पे इफेक्ट डालेगा। और ये फॉर्मेशन क्या होता है? सॉइल, ठीक है। जैसे ये नेचुरल सेग्रेट क्या है? ग्राउंड सरफेस। उस ग्राउंड सरफेस के ऊपर हम कुछ बनाते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हम कॉम्पैक्टेड सॉइल का बनाते हैं। अब आपको पहले ही पता है कि जो सॉइल होती है वो लोड बियरिंग में थोड़ी वीक होती है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा हार्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर बिछा देते हैं बैलास्ट। तो बैलास्ट क्या करेगा? जितने भी वाइब्रेशन वगैरह हैं या जितने भी इम्पैक्ट लोडिंग या क्रशिंग लोड है उन सबको ये डैम्प करेगा या सफ़र करेगा, बियर करेगा। तो इसलिए हम सफिशियंट बैलास्ट कुशन रखते हैं स्लीपर्स और फॉर्मेशन के बीच में, ठीक है। तो उस फॉर्मेशन के नीचे आता है फिर नेचुरल सबग्रेड। नेचुरल सबग्रेड क्या है? वो जो ग्राउंड सरफेस होता है जिसके ऊपर ये सारे फॉर्मेशन हमने किए हैं। तो इस पूरे सेक्शन को हम कहते हैं परमानेंट वे। अब जो मैंने सबसे ऊपर रेल्स दिखाया था कि स्टील की रेल्स होती है लंबी लंबी, तो ये आप देख सकते हैं कि तीन क्रॉस सेक्शन के होते हैं, बुल हेडेड रेल, डबल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल। जो मॉडर्न रेल्स होती हैं वो है फ्लैट फुटेड। पहले के ज़माने में हम बुल हेडेड रेल्स को यूज़ करते थे, उसके बाद हम डबल हेडेड पे आए और अब हम फ्लैट फुटेड पे आ गए। तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं, क्यों पहले बुल हेडेड यूज़ करते थे, ये सब आप रेल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ट्रैक में कहीं इस तरह की रेल्स दिख रही है तो इसका मतलब वो बुल हेडेड रेल है, वो कुछ पुराना ट्रैक बना होगा। अब जो नए मॉडर्न ट्रैक बनते हैं उसमें हम फ्लैट फुटेड रेल यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका फुट जो है इसको हम कहते हैं फुट, जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं फुट, ठीक है। इसे हम कहते हैं हेड। और ये जो बीच का पोर्शन है ये लंबा सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम कहते हैं वेब। तो आजकल के जो मॉडर्न ट्रैक हैं उनमें हम फ्लैट फुटेड रेल्स यूज करते हैं, क्योंकि इनका फुट जो है फ्लैट है तो स्टेबल ज़्यादा रहता है, ज़्यादा ये टिल्ट नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने बताया था कि जो रेल्स होती हैं वो 13 मीटर लेंथ के आसपास की होती हैं, ठीक है, 12.8 या 13 मीटर। तो ये हर 13 मीटर की जो रेल्स हैं इनको जोड़ने के लिए हमको एक फिश प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो आप लंबा सा मेंबर देख रहे हैं, ज्वाइनिंग मेंबर, ये है हमारी फिश प्लेट। तो इन फिश प्लेट को रेल से जोड़ने के लिए जो हम बोल्ट्स यूज़ करते हैं इसे हम कहते हैं फिश बोल्ट्स, ठीक है। तो फिश बोल्ट का काम क्या है कि दो रेल्स को आपस में जोड़ना। और ये जो आप ये मेंबर देख रहे हैं ये क्या है? चेयर है। इन चेयर्स पे रेल्स रखी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर है कुछ स्क्रू, इसे हम कहते हैं चेयर स्क्रू, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फिश बोल्ट। ये जो फिश प्लेट को रेल से जोड़ते हैं, जो चेयर को नीचे के यहाँ पर देखो वुडन स्लीपर है ना, तो वुडन स्लीपर को जो स्क्रू जोड़ रहे हैं उसको हम कहते हैं चेयर स्क्रू। अच्छा, रेल्स को जोड़ने के लिए भी हमने फिश प्लेट का यूज़ किया था। तो कहीं कहीं पर हम वेल्ड को रेल्स को वेल्ड भी कर देते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ये एक रेल है
कुछ लंबा सा आगे तक गया होगा 13 मीटर तक, और ये दूसरी रेल है जो आगे 13 मीटर तक लंबी होगी। इनके बीच में हमने यहाँ पर वेल्डिंग की है। तो हम ये वेल्डिंग और फिश प्लेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबी रेल्स बना सकें और सब लाइन से जुड़ती चली जाए सारी रेल और एक ट्रैक बन सके। तो या तो हम उनको फिश प्लेट से जोड़ सकते हैं, और या तो हम क्या करें, सिंपली इन दोनों रेल्स को आपस में रखें और वेल्ड कर दें। तो ये दोनों प्रोविज़न हम कब यूज़ करते हैं, ये हम पढ़ेंगे फास्टनिंग वाले चैप्टर पे। अभी के लिए समझ लीजिए कि जो फिश प्लेट हम यूज़ करते हैं, फिश प्लेट के कुछ डिसएडवांटेज हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी ट्रेन चलती है तो उसके फिक्स बोल्ट हैं वो धीरे धीरे लूज़ हो जाते हैं, तो हमको टाइम टाइम पर मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, और वो काफ़ी रिस्की काम है। वेल्डिंग में क्या है कि हम वेल्ड करके तो छोड़ देंगे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई बोल्ट नहीं है, कोई स्क्रू का लूज़ होने का डर नहीं है, ठीक है, और ये हमेशा परमानेंटली अटैच रहेगा। लेकिन इसके अपने नुकसान है, क्योंकि अगर हम रेल्स को वेल्ड कर देते हैं तो इस तरह की बकलिंग फिनोमेना अकर हो जाती है। बकलिंग मतलब आपने सोम में पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में, कि जब भी किसी मेटल को हम हीट करते हैं तो वो मेटल एक्सपैंड होने की कोशिश करता है, ठीक है, और आपने ये पढ़ा होगा कि वो चेंज इन लेंथ एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर होती है। यानी अगर कोई सपोज ये मेंबर है जो इतना लंबा है, ठीक है, इस मेंबर की लेंथ है सपोज एल, ठीक है, और ये मेंबर सपोज स्टील का बना है तो इसका कुछ होगा थर्मल कोफिशेंट अल्फा, ठीक। तो अगर हम इस मेटल को हीट करेंगे तो ये मेटल क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ये दोनों किनारों पर बढ़ने की कोशिश करता है अगर हम इसको हीट करेंगे। और ये कितना बढ़ेगा वो हम इस फॉर्मूले से पढ़ा करते थे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी। अब ये अल्फ़ा तो मटेरियल का कांस्टेंट है, स्टील का मटेरियल का अल्फ़ा अलग है, कंक्रीट के मटेरियल का अल्फ़ा अलग है, तो सपोज स्टील का कुछ अल्फ़ा है जो कि कांस्टेंट है। डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज, सर्दी के दिनों में जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और गर्मी के दिनों में जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाता है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब अगर सपोज हम जितनी लंबी रेल रखेंगे ये चेंज इन लेंथ उतना ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा रेल्स को वेल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने बहुत लंबी लाइन वेल्ड कर दी रेल की तो वो एक ही बहुत लंबा एल निकल के आ जाएगा, यानी लेंथ ऑफ मेंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही लेंथ ऑफ मेंबर ज़्यादा हो जाएगा ये चेंज इन लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर सफिशेंटली स्पेस नहीं मिल पाया रेल्स को एक्सपेंड करने का, तो क्या हो जाएगी, ये रेल्स ऐसे बकल कर जाएंगी, मुड़ जाएंगी, तो इसे हम कहते हैं बकलिंग ऑफ रेल्स। तो ये दिक्कत कब आ रही है, जब हम रेल्स को वेल्ड कर रहे हैं और हमने सफिशेंट एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दिए, यानी जितना भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है सर्दी गर्मी या कैसे भी करके, तो उसको काउंटर करने के लिए या उसको अकाउंट फॉर करने के लिए, जितना भी चेंज इन लेंथ है इसको अकाउंट फॉर करने के लिए हमको कुछ स्पेस छोड़ना पड़ेगा रेल्स के बीच में। इस स्पेस को कहते हैं हम एक्सपेंशन जॉइंट। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक एक्सपेंशन जॉइंट बना रखा है, यानी एक ये रेल होगी जो लंबी काफ़ी दूर तक गई होगी, और ये दूसरी रेल है ये काफ़ी लंबी दूर तक गई है, और यहाँ पर हमने इनको जोड़ने के लिए एक एक्सपेंशन जॉइंट बना रखा है। ये ऐसे यहाँ पर हमने रेल को थोड़ा टेपर्ड कर दिया, इस इधर वाली रेल को भी हमने देखो टॉप से देख रहे हैं तो इसको हमने थोड़ा टेपर्ड कर दिया, ऐसा करके हमने इनके बीच में एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म बना दिया। यानी अब क्या होगा कि जितनी भी रेल्स हैं ये आपस में टेम्परेचर बढ़ने पर ये इधर खिसक के आगे आ जाएगी और इसका ये सिरा आगे खिसक जाएगा, तो आपस में ये दोनों स्लाइड कर सकते हैं, और जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस स्पेस को कवर कर लेंगे और रेल्स बकल नहीं होंगे, और जब सर्दी का समय आएगा तो ये वापस श्रिंक हो जाएंगे दोनों मेटल और इस तरह का स्पेस क्रिएट कर देंगे। लेकिन क्योंकि हमने दोनों को टेपर्ड करके रखा है तो इसलिए ये जो थिकनेस है वो चेंज नहीं हो पाएगी, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट, जो हमको बीच बीच में प्रोवाइड करने पड़ते हैं इस थर्मल वेरिएशन को अकाउंट फॉर करने के लिए। तो मैंने फास्टनिंग के बारे में पहले ही वैसे बता दिया है कि ट्रैक फास्टनर्स क्या होते हैं। फास्टनर्स का काम है कि सारे मेंबर्स को जोड़ के रखना। अब ये मेंबर क्या हो सकते हैं, रेल को रेल से जोड़ना या रेल को स्लीपर से जोड़ना। तो रेल्स को रेल से जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, फिश प्लेट। तो फिश प्लेट एक तरह के फास्टनर्स हो गए, ठीक है, ये फिश प्लेट है, और जो बोल्ट लगे हैं इसे हम कहते हैं फिश बोल्ट। इसी तरह ये देखो आयरन का मेंबर है, इसे हम कहते हैं चेयर, ये भी पहले बता चुका हूँ, और चेयर को स्लीपर से जुड़ने वाले स्क्रू उसको हम कहते हैं चेयर स्क्रू। और ये जो एक मेंबर देख रहे हैं ये स्टील का, इसे हम कहते हैं की की। तो इस की का काम क्या है, इस रेल्स को इस चेयर में अटैच करके रखना। कैसे है कि अटैच करके रखता है, जैसे आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर देखो कि
ये एक की बना रखी है। की कई तरह की हो सकती है, जो हमने अभी देखा था वो भी एक स्टील की थी जिसे हम कहते हैं इलास्टिक की, या तो हम वुडन ब्लॉक या स्टील ब्लॉक एज ए की के फॉर्म में यहाँ रख सकते हैं। तो की क्या कर रहा है, देखो रेल है, रेल और चेयर के बीच के स्पेस को ये फिल कर रहा है। फिश प्लेट, फिश पोल, चेयर, चेयर बोल्ट, स्लीपर्स, बैलास्ट, ये सब तो आपको पता ही है। फुट भी पता चल गया, वे भी क्या होता है, हेड क्या होता है। रनिंग फेस, रनिंग फेस वो फेस होता है जिसके ऊपर ट्रेन के व्हील्स रन करते हैं। अब जो ट्रेन के व्हील्स हैं वो अगर सपोज इनर साइड ये है तो ये हम इसे हम कह देंगे रनिंग फेस, और अगर इनर साइड वो है तो उसे हम कह देंगे रनिंग फेस। यानी सपोज अगर ये हमारे स्लीपर है और इन स्लीपर्स के ऊपर ये एक रेल है और दूसरी रेल ये है, तो इनर साइड ये है तो रनिंग फेस क्या हो जाएंगे, ये फेस हो जाएगा रनिंग फेस दोनों के लिए। क्राउन क्या होता है, जो टॉप सरफेस होता है उसे हम कहते हैं क्राउन। तो चेयर की अरेंजमेंट कैसे होता है, ये जो पोर्शन है ये है चेयर, देख रहे हैं इस चेयर, और ये जो शेडेड पोर्शन है इसे हम कहते हैं रेल। इन दोनों के बीच में हमने स्प्रिंग की लगा कर रखी हुई है ये, ठीक है। तो ये की क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ के अटैच कर रख रहा है ताकि ये हिले ना रेल इस चेयर के बीच में। और जब भी हमको मेंटेनेंस के लिए ये रेल निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये स्प्रिंग की को बाहर निकालेंगे, इस रेल को थोड़ा स्लाइड करेंगे इधर और इसको वापस रिमूव कर देंगे। तो स्प्रिंग की का काम क्या है, चेयर को रेल के साथ जोड़ करके रखना है, इसलिए एक तरह से ये भी हमारा फास्टनर हो गया। अच्छा, चेयर के बारे में अपने देखा, तो कुछ होते हैं बियरिंग प्लेट। कभी कभी हम क्या करते हैं कि रेल्स को स्लीपर से कनेक्ट करने के लिए हम एक प्लेट यूज़ करते हैं, तो ये पतली सी लंबी लंबी प्लेट है जो इधर के साइड में निकली होगी, ठीक है। तो इस प्लेट के ऊपर हम रेल्स को पुट करते हैं और कुछ स्पाइक्स, जैसे यहाँ पर डॉग स्पाइक लगा रखा है, इन स्पाइक्स की मदद से अटैच करके रखते हैं। तो हम ये बियरिंग प्लेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि जो स्लीपर है, देखो यहाँ पर वुडन स्लीपर है, वुडन स्लीपर में बहुत ज़्यादा अगर लोड लग गया तो पंचिंग के कारण ये वुडन स्लीपर फेल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब जो रेल का एरिया, सपोज अगर मैं नीचे से देखूँ कुछ ऐसा, तो ये जो एरिया है ये स्मॉल ए सपोज छोटा है, अगर इसको हम डायरेक्टली इस स्लीपर के ऊपर रख देंगे तो छोटे एरिया होने की वजह से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स यानी ऊपर से लगने वाला लोड तो सेम ही है, और प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये स्लीपर में रेल्स नीचे धंस जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम चाहते हैं कि रेल्स के नीचे का एरिया बड़ा रहे, तो हम तो फ्लैट फुटेड रेल तो यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कोशिश ये भी करते हैं कि इस रेल और स्लीपर के बीच में एक बियरिंग प्लेट लगा सकें। अब ये बियरिंग प्लेट क्या करेगी, इस रेल्स को सपोर्ट में रखेगी और नीचे के एरिया को काफ़ी बड़ा कर देगी, सपोज कैपिटल ए। अब नीचे का एरिया जैसे ही बड़ा हो गया, हमारा प्रेशर कम लगने लग गया, प्रेशर कम लगेगा तो ये रेल्स और प्लेट का अरेंजमेंट स्लीपर में धंसेगा नहीं, तो इस तरह हम बियरिंग प्लेट यूज़ करते हैं। तो इन बियरिंग प्लेट को जोड़ने के लिए भी हमने क्या कर रखा है, कुछ डॉग स्पाइक्स लगा रखे हैं। डॉग स्पाइक्स कैसे दिखते हैं, ये एक डॉग स्पाइक है, ठीक है, ये डॉग के आकार का होता है, कुछ कान और मुंह वगैरह, तो इसलिए हम इसको डॉग स्पाइक बोलते हैं। ये होती है चेयर स्क्रू। अच्छा, ये जो मैंने व्हील के बारे में बताया था कि जब ऊपर हमने पढ़ा था बोगी, बोगी में हमने बताया था कि कुछ व्हील्स थे और सस्पेंशन सिस्टम था, तो वो जो व्हील होते हैं वो व्हील थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, उनको हम कोनिक आकार में बनाते हैं। जैसे ये हमारे ट्रेन का एक व्हील अरेंजमेंट है, तो ये जो सिरा है इसको देखो हमने थोड़ा सा कोनिक बनाया है। तो कोनिक बना करके हम क्या करते हैं कि जितने भी ट्रेन से इन सबको कर्व में मूव कराने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। अगर ये सिरा कोनिक ना बनाते, सिर्फ सिलेंड्रिकल बनाते, सपोज अगर ऐसा अरेंजमेंट होता तो कर्व पे ये ट्रेन मुड़ नहीं पाती। तो कोनिक बना करके हम इसको कैसे फैसिलिटेट कर पा रहे हैं कर्व में मूव कराने के लिए, इसके लिए आइए हम एक वीडियो देख लेते हैं।
तो आपने वीडियो में देख लिया होगा कि कोनिक सेक्शन बनाने से कर्व में कितने आराम से ट्रेन टर्न कर ले रही है, लेकिन अगर हम उसी ट्रेड को सिलेंड्रिकल रखते तो वो जैम कर देता है जब भी कर्व आते हैं। और साथ ही साथ हल्का सा भी वाइब्रेशन अगर लेटरली होता है तो उसको भी कोनिक सेक्शन होने की वजह से अपने आप सेंटर पे ट्रेन के कोच को ले आते हैं कोनिक व्हील्स, इसलिए हम अपने ट्रेन के व्हील्स को कोनिक सेक्शन में रखते हैं। अब हमने सेक्शन को तो ऐसे कोनिक आकार में कर दिया, सपोज हमने ट्रेन के व्हील्स को ऐसे कोन बना दिया। अगर ये फ्लैट सरफेस होता तो हमारे लिए ये अच्छा रहता है कि रेल्स और व्हील के बीच में कांस्टेंट प्रेशर या यूनिफॉर्म प्रेशर रहता थ्रू आउट रेल के क्राउन पर। लेकिन अगर आपने इस व्हील्स को कोनिक सेक्शन दे दिया तो आप क्या देख रहे हैं कि जितना भी लोड लग रहा है वो सब एक ही पॉइंट पर आकर के लग रहा है, रेल के इस पॉइंट पर। और ये जो इतना पूरा पोर्शन है रेल का वो फ्री है, इन पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा क्योंकि हमने व्हील्स को ही कोन बना दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमें बहुत बार बार चलने पर ये रेल का ये जो सिरा है वो वियर आउट कर जाएगा या ये इरोड कर जाएगा। तो इसको भी हमको इसका सोल्यूशन चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइड वियर हो गया, ये पूरा ऐसे सेक्शन था इतना बड़ा, लेकिन कोनिक व्हील होने से जो रनिंग फेस है जहाँ पर व्हील्स टिका रहता है उस वो पूरा सेक्शन वियर आउट हो गया है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो रेल्स हैं उनको ही हम टिल्ट कर दें कोन के सरफेस के अलाउंग। तो अब सपोज अगर हम 1:20 का कोनिक सरफेस बनाते हैं अपने व्हील पे, कुछ ऐसे टिल्ट कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे अपनी रेल्स के क्राउन को भी हम इस 1:20 के स्लोप में टिल्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब रेल जो है वो तो हमेशा मतलब सिमेट्रिकल ही रहेंगी, आई सेक्शन ही रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही होती है। तो हम क्या करेंगे कि जो स्लीपर्स हैं, इन स्लीपर जो कि वुडन होते हैं या कंक्रीट होते हैं, उनके आउटर सेक्शन को ही हम 1:20 में टिल्ट कर दें। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम स्लीपर के आउटर सेक्शन को 1:20 में टिल्ट कर रहे हैं जो कि स्लोप होता है कोन्स का जो हम व्हील्स में यूज़ कर रहे हैं। अब इस 1:20 के स्लोप में जब व्हील्स लाई करती है, सॉरी रेल्स लाई करते हैं, तो इनका भी टॉप पोर्शन 1:20 में टिल्टेड हो जाता है। ऐसे जैसे आप यहाँ पर देखो, ज़्यादा बेहतर डायग्राम है, इधर वाला थोड़ा सा गलत बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 1:20 का स्लोप दे रखा है स्लीपर में, जिसकी वजह से जो रेल्स हैं वो 1:20 के स्लोप में टिल्ट हो गई है अंदर की तरफ। ऐसे करने से क्या होगा कि पूरा का पूरा सरफेस क्राउन का टच में रहेगा व्हील्स के, और टच में रहने से क्या होगा कि जितना भी प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली बियर हो रहा है रेल्स के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल्स। जो हम रेल्स हैं उन सबको टिल्ट कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल्स या एजिंग ऑफ स्लीपर्स, क्योंकि स्लीपर्स को भी हम एज कर रहे हैं, इनको 1:20 के स्लोप में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं या तो एजिंग ऑफ स्लीपर्स या टिल्टिंग ऑफ रेल्स। काम क्या है, ताकि यूनिफॉर्म प्रेशर क्राउन पर बना रहे और वियर आउट ना हो इनर साइड ऑफ रेल। अच्छा, ये कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो व्हील्स में हो जाते हैं ड्यू टू सडन ब्रेक और सडन स्टार्ट। क्या होता है कि जब भी ट्रेन रुकती है या लोको पायलट ब्रेक मारता है तो क्या होगा कि कुछ समय तक ये जो व्हील्स हैं वो रुके हुए स्लाइड कर जाएंगे, और वैसे ही जैसे कभी ट्रेन स्टार्ट होती है तो एकदम से एक्सेलरेशन पकड़ने पर तुरंत ही व्हील मूव नहीं करते क्योंकि इनके बीच में स्लाइडिंग हो जाती है। तो ऐसे स्लाइडिंग की वजह से क्या होगा कि जितने व्हील फ्लैट हैं वो व्हील जितने भी व्हील्स हैं उन सबके सरफेस में इस तरह के फ्लैटनेस आ जाएगी, वो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं व्हील फ्लैट। तो अब अगर सपोज किसी ट्रेन के व्हील्स में इस तरह के व्हील फ्लैट्स बन गए हैं, तब जब ये ट्रेन मूव करेगी रेल्स में तो ये व्हील फ्लैट्स क्या करेंगे, बार बार इंपैक्ट करेंगे रेल्स पर, क्योंकि एक बार व्हील फ्लैट बन गया तो वो बार बार रेल्स पर इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्राउन जो हमारे रेल का होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो वो एक डिफेक्ट होता है रेल्स का। अच्छा, एक होता है टर्न आउट। टर्न आउट क्या चीज़ है, जब ट्रेन को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे मोड़ना होता है तो हम एक अरेंजमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं टर्न आउट। तो टर्न आउट दो चीज़ों के इनके बना होता है, पॉइंट्स और एंड क्रॉसिंग। देखिए, ये सारे चीज़ों के चैप्टर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि आप पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो टर्न आउट क्या है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, इसका पर्पज़ क्या होता है, ट्रेन को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन मोड़ना। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक हमने बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स से एक रॉड निकली हुई है, ये इसे हम कहते हैं स्ट्रेचर बार। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट। ठीक है,
और ये सेक्शन, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग। तो कभी भी अगर हमको एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जहाँ पर ट्रेन की डायरेक्शन एक जगह से, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन पर चेंज करना है, क्योंकि अगर ट्रेन को डाइवर्ट करना है दूसरे शहर के लिए, या जब कई सारी ट्रेनें एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो उन सबको भी डाइवर्ट करना पड़ता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी हो, तो इसलिए हमको कई जगह पर इस तरह के टर्नआउट के अरेंजमेंट लगाने पड़ते हैं। तो उस टर्नआउट के लिए हमको देना होता है पॉइंट्स और हमको देनी होती है क्रॉसिंग। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट की मदद से ये जो बार है, ये बार क्या करेगा, या तो अंदर की तरफ मूव कर सकता है सिग्नल के द्वारा, या बाहर की तरफ मूव करेगा। जब ये बार अंदर की तरफ मूव करेगा तो देखो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जा रहा है। तो जैसे ही ये गैप क्रिएट होगा तो जो ट्रेन आ रही है उसकी फ्लेंज, फ्लेंज क्या होता है, जैसे मैंने कोनिक सेक्शन बताया था, ये इस तरह का हमारा कोनिक व्हील था, तो इसे हम कहते हैं फ्लेंज। ठीक है, तो ये जो फ्लेंज है, क्योंकि फ्लेंज थोड़ा सा नीचे नीचे से निकला हुआ है, और ये जो चीज़ है ये रेल पर रखी रहती है, ये हमारी रेल्स है, तो ये चीज़ें टच हो रहा है। तो फ्लेंज क्या हो रहा है कि इस गैप से आगे निकल जाएगा और ट्रेन इस डायरेक्शन पे मूव कर जाएगी। अब सपोज अगर हम चाहते हैं कि ये जो इधर से आने वाली ट्रेन है वो इस डायरेक्शन पे ना हो, सॉरी, वो इस डायरेक्शन पे मुड़ जाए, यानी इस रूट पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की मदद से बार को अंदर की तरफ हम खींचेंगे, सॉरी बाहर की तरफ खींचेंगे। बाहर की तरफ खींचने से क्या होगा कि ये वाला पोर्शन खुल जाएगा और जो व्हील्स हैं वो इधर की डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और ट्रेन इधर डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो इस पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, ट्रेन को उसकी डायरेक्शन एलोकेट करते हैं। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग में क्या है कि क्रॉसिंग में आप देख रहे हैं कि इस तरह का गैप है। ये गैप हम क्यों बना रहे हैं, ये जितने भी फ्लेंजेस है ना, इन सबको फ्लेंजेस इनके बीच से पास हो सके, इसलिए हमको इस तरह के गैप का अरेंजमेंट देना पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं टर्न आउट। पर्पज़ क्या हुआ टर्न आउट देने का, ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज करना। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई सारे टर्न आउट का अरेंजमेंट है, एक ये भी टर्न आउट है, एक ये भी टर्न आउट है, ठीक है, आगे भी देख रहे हैं कि यहाँ स्ट्रेचर बार लगा हुआ होगा, यानी कि यहाँ भी कहीं एक टर्न आउट होगा। तो इस तरह के कई सारे टर्न आउट के अरेंजमेंट होते हैं। जब भी आप देखते हैं किसी जंक्शन में, स्टेशन में, ऐसे क्या होता है कि कई सारी ट्रेनें आती हैं अलग अलग डायरेक्शन से, तो उनको उन्हीं प्लेटफॉर्म में एकोमोडेट करने के लिए कई सारे टर्न आउट का अरेंजमेंट बनाना पड़ता है। तो टर्न आउट कंपनीज क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पॉइंट, या इसको हम स्विच भी कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, ये क्रॉसिंग है, ठीक है, ये स्ट्रेचर बार जो मैंने अभी ऊपर बताया था, और ये जो बाकी के नॉमन क्लेचर है वो जब हम टर्न आउट का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या होता है, चेक रेल क्या होती है, स्टॉक रेल, विंग रेल। फिलहाल अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ ऐसा होता है, सॉरी टॉप व्यू देखें तो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कि रेलवेज में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और रियल लाइफ में वो क्या क्या होती हैं, क्या होता है पॉइंट्स, क्या होता है क्रॉसिंग, क्या होता है टर्न आउट, रेल्स किसे कहते हैं, स्लीपर्स किसे कहते हैं, ठीक है, फास्टनर्स क्या कहते हैं, ट्रैक क्या होता है, परमानेंट वे क्या होता है, बोगी क्या होती है, ठीक है, व्हील के जितने भी ट्रेन के व्हील्स होते हैं मतलब कोनिक क्यों होते हैं। तो हमने अभी आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ा है कि ताकि रियल लाइफ में आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। अब कल से या अगले लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर वे में कि क्या क्या सिलेबस में है और सिलेबस के आधार पर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है।